आने वाले 1 जुलाई से तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीनों नए आपराधिक कानून IPC और CRPC की जगह लेंगे। इनका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। तीनों नए कानूनों को दिसंबर में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई थी। तीनों कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, BNS, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। तीनों नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को बदलना है। इससे अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म हो जाएंगे और इससे छुटकारा मिलेगा। BNS में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्त कर दिया गया है और इसे देशद्रोह में बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। वहीं IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके अलावा 33 अपराधों में सजा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों कानूनों को लोकसभा में पेश किया था। तब उन्होंने कहा, अब इसके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख युग का अंत सुनिश्चित होगा और 3 साल में न्याय भी मिलेगा। IPC में 511 धाराएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। CRPC में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। इनमें 177 धाराओं को बदल दिया गया, जबकि 9 नई धाराएं जोड़ी गई है। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग पर हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जब मॉब लिंचिंग को एक घृणित अपराध बताया, BNS में आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों का हिस्सा थे, भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसके अलावा पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकल कसने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया। इस तरह के अपराधों के साथ साथ संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान भी नए कानून में किए गए हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।